विश्वास को कैसे मुक्त अपने करें भाग एक। 10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:10-23 में तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। मरकुस 11:23। पिछले दो पाठों में हमने रोमियो 10:10 के पहले भाग के विषय में चर्चा की हृदय से विश्वास करने का अर्थ क्या है इस विषय में। अब हम इस पद के दूसरे भाग को देखेंगे का उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बटा 4 प्रकार के अंगीकार। आप देखेंगे कि नए नियम में 4 प्रकार के अंगीकारों के विषय में बताया गया है। इनका हम ध्यान पूर्वक परीक्षण करेंगे क्योंकि अंगीकार के विषय में बहुत उलझने हैं। यहूदियों का पाप का अंगीकार। सबसे पहले यहूदियों के लिए यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले की और यीशु की शिक्षा आती है जो है पापों को अंगीकार करना। मरकुस 1:4-5 यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। 5 और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। मरकुस 1:14-15 यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने लगा। 15 उसने कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। नई वाचा के अंतर्गत पापियों का अंगीकार। दूसरा है नई वाचा के अंतर्गत पापियों का अंगीकार। यीशु ने यूहन्ना 16:7-11 में नए नियम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य कहा जो नई वाचा के अधीन पापियों के संबंध में है। यूहन्ना 16:7-11, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। 8 और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 9 पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। 10 और धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। 11 और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। यीशु ने कहा, पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। 9 यीशु हमें बताता है कि पवित्र आत्मा पापियों को केवल एक पाप के विषय में दोषी ठहराएगा, यीशु को इनकार करने का पाप, क्योंकि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यूहन्ना 16:9। हमने कई बार इस बात का आग्रह किया है कि पापी व्यक्ति अपने सारे पापों का अंगीकार करे ताकि उसका उद्धार हो। वास्तव में पापी व्यक्ति अपने सारे पापों का अंगीकार नहीं कर सकता। वह उन सारी बातों के विषय में नहीं सोच सकता जो उसने गलत की हैं। नहीं, जो मुख्य अंगीकार एक पापी व्यक्ति को करना है वह है यीशु की प्रभुता का अंगीकार। रोमियो 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। विश्वासियों का अपने पाप अंगीकार करना। नए नियम का तीसरा अंगीकार है विश्वासी का अपने पाप अंगीकार करना है जब वह परमेश्वर की सहभागिता से दूर था। 1 यूहन्ना 1:9। यह टूटी हुई सहभागिता कई बार बीमारी का कारण बनती है, क्योंकि याकूब की पत्री में बाइबल कहती है, तुम
आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। याकूब 5:16। विश्वासियों का विश्वास का अंगीकार। चौथे प्रकार का अंगीकार जिसके विषय में बाइबल में कहा गया है वह है वचन में मसीह में परमेश्वर पिता में अपने विश्वास को अंगीकार करना। ये चार प्रकार के अंगीकार हैं जिनकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। यहाँ पर पुरानी वाचा के अंतर्गत यहूदियों का पापों को अंगीकार करना जिन्हें यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला संबोधित कर रहे थे और नए नियम के अंतर्गत उन पापियों का पापों का अंगीकार करना जिनकी भेंट यीशु से कभी नहीं हुई। इनमें फर्क है। मत्ती 3:5-6:5 तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए। 6 और अपने अपने पापों को मानकर उन्होंने यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यहाँ पर परमेश्वर की वाचा के लोगों का चित्र है जो अपने पापों को अंगीकार कर रहे थे और यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा पा रहे थे। यह मसीही बपतिस्मा नहीं है। यीशु की अब तक मृत्यु नहीं हुई थी और वह मरे हुओं में से जी नहीं उठा था। यूहन्ना पिता पुत्र और परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा नहीं देता था, वह केवल पिता के नाम से बपतिस्मा देता था। ये यहूदी लोग थे जो व्यवस्था के अधीन और पुरानी वाचा के अधीन थे जो कि यीशु की मृत्यु दफनाए जाने और जी उठने के पहले थे। काम 19:18 में हम पढ़ते हैं, और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। ये अन्य जाति लोग थे या गैर यहूदी मसीही विश्वासी थे। यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि उन्होंने क्या अंगीकार किया था, परंतु यह स्पष्ट है कि वे विश्वासी थे जो जादू टोने के अपने पाप का अंगीकार कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बात पर ध्यान दें। वे उद्धार पाने के लिए अपने पापों का अंगीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने पहले ही उद्धार पाया था। इन अन्य जाति मसीहियों ने इन पापों का अंगीकार नहीं किया था और न ही उद्धार पाने के लिए इन कामों को त्यागा था। बाइबल कहती है कि उन्होंने पहले ही उद्धार पाया था। उद्धार पाने के बाद इन पापों को और गलत कामों को अंगीकार करना आसान था। कई लोग उतावली करते हैं। उदाहरण के लिए वे पापियों से कहते हैं, तुम्हें इन बातों को त्यागना होगा और उद्धार पाने के लिए उस बात को छोड़ना होगा। परंतु वास्तव में पापी व्यक्ति को यीशु की प्रभुता ग्रहण करनी चाहिए, उसके बाद बाकी बातें अपने आप पूरी हो जाएंगी। आप जिन बातों को त्यागते हैं उन पर उद्धार निर्भर नहीं है।